हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी मोस्ट ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए कि हम कैसे नोकिया की राउटर में WPS को हम कैसे डिसेबल करें। तो फ्रेंड्स, डिसेबल करने से पहले हम आपको एक बात बता रहे थे कि WPS का मतलब क्या होता है। WPS के बारे में हम जानकारी आपको बताते हैं कि WPS का मतलब होता है, W के मतलब होता है वायरलेस, और P का मतलब होता है पासपोर्ट, और S का मतलब होता है सीक्रेटरी। जैसे कि WPS का मतलब हो गया है वायरलेस पासपोर्ट सीक्रेटरी। जब आप वायरलेस नेटवर्क को आप इनेबल करते हो, जैसे एक राउटर के अंदर एक इथरनेट के सहारे से आप लैपटॉप अथवा PC को चला सकते हो, और आपको डिवाइस में जैसे कि मोबाइल में चलाना हो तो आपको वायरलेस एक्टिवेट करना होता है, वैसा ही होगा WPS। तो WPS को इनेबल हम कैसे करें, उस WPS से आप क्या क्या कर सकते हो, WPS के मतलब क्या होता है, WPS इनेबल करने से क्या होता है, हमको हम बता देते हैं। WPS इनेबल करने से क्या होता है कि आप हैक हो जाता है। WPS इनेबल करने के बाद आप कोई भी, जैसे कि WPS टेस्टर हो गया, वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके आप उससे हैक कर सकते हो। WPS को आप डिसेबल करके तो आप हैकिंग से बच सकते हो। क्या होता है कि देखते हैं कि बहुत सारा राउटर में WPS इनेबल होता है, और WPS इनेबल होने के कारण से हमारा वाईफाई होता है उसको हैक कर लेता है। आप हम कितना भी पासवर्ड बार बार चेंज करें तो फिर भी हैक कर लेता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि कैसे हैकिंग होने का मुख्य कारण क्या है, हैकिंग कैसे हो जाता है, उसका WPS इनेबल होगा इसीलिए हैक हो जाता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि आपका WPS इनेबल है कि डिसेबल है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और इनेबल है तो उसको हम डिसेबल कैसे करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना है, और लास्ट तक सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारे चैनल आरबी मोस्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन को दबाना है कि कोई भी वीडियो हम इस पर अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और एक बात आपको हम जानकारी दे देते हैं कि किसी प्रकार को आपको वीडियो चाहिए नोकिया की राउटर के बारे में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारा व्हाट्सअप नंबर हम इस पर छोड़ देंगे, आप हमें व्हाट्सअप नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा व्हाट्सअप नंबर हम इसमें लिंक में भी रख देंगे, और ये वीडियो में हम डाल देंगे। व्हाट्सअप से आप डायरेक्ट हमें मैसेज करके आप किसी भी प्रकार का वीडियो के बारे में, किसी भी जानकारी हमसे आप ले सकते हैं नोकिया की राउटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको करना क्या है, एक ब्राउज़र को चूज करना है, चूज करने बाद उसको ओपन करना है। हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च और टाइप वेब एड्रेस में आपको सर्च करना है नोकिया राउटर की IP एड्रेस। और उसके बाद यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। आप देख सकते हो ये वाला प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है, तो इसको आप दोबारा से रिफ्रेश करना है, और सर्च करने के बाद हमारा नोकिया की राउटर की GPON होम गेटवे यहाँ पर आ गया। और आने के बाद आपको करना क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड रखना है। जैसे कि यूजर नेम आपको जो भी रखे हुए आप उसको यूजर नेम पासवर्ड रख दीजिए, और यूजर नेम जैसे कि एडमिन GPON यूजर नेम रखना है, वो नीचे पासवर्ड अपना रखा है, ऑलरेडी हम इसमें सेव करके रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, और लॉगिन कर देने के बाद हमारा राउटर का सेटअप पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। और ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली हम बताए थे कि WPS से आप क्या क्या फ़ायदा है, WPS का मतलब क्या होता है, हम तो बताए थे WPS का मतलब होता है आप WPS लगाकर आप हैकिंग से बच सकते हो, और WPS डिसेबल करके आपका वाईफाई कोई भी हैक नहीं कर सकता है। और जैसे कि WPS में आधारित बहुत सारा चीज़ें, जैसे कि आप इसमें प्रोफेशनल इंटरप्राइजेज वेब ओपन भी कर सकते हो,
और WF के साथ आप हैकिंग से 2 सिक्योरिटी पासवर्ड रख सकते हो, और WPS रखने के बाद आप हैकिंग से बच सकते हो। WPS का हम WPS का सेटिंग कैसे मिला है और किस तरीका से रखना है जो डिस्प्ले पर हम बता देते हैं, देख आपको हम दिखा देंगे कि इस तरीके से रख कर आप हैक से बच सकते हो। तो फ्रेंड्स हम दिखाते हैं आपको, सबसे पहले करना जाना कहाँ है नेटवर्क सेटिंग में, और नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद आपको वायरलेस 2.4GHz में जाना है, और जाने के बाद आपको इसके बाद आप देख सकते हो हम यहाँ पर डबल सिक्योरिटी लगाए हैं, लेकिन इसमें WFA वर्सन में WPA2 और WPA लगा कर रखे हुए हैं। तो इसको हम नेटवर्क को तगड़ा बनाने के लिए, हम हैकिंग से बचने के लिए इसको WPS को है ना इसको हटाकर WPA2 रखना है, और रख देने के बाद आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर WPS इनेबल WPS, तो इसको डिसेबल कर लेना है। हम ऑलरेडी इसमें डिसेबल करके रखे हुए हैं। आप इसमें से आपको प्रोफेशनल में रखना है, तो प्रोफेशनल में आप रखना है, और उसके बाद रखने के बाद आपको सेम सेटिंग ऐसा है जैसे हमारे डिस्प्ले पे है, आप आराम से देख लीजिए इसको जैसे कि हमारा डिस्प्ले पे, उसी तरीक़े से आपको सेम सेटिंग मिला कर रखना है। और सेम सेटिंग में आप मिला कर रखते हो तो उस टाइम आप हैकिंग से बच सकते हो, आपका वाईफाई कोई हैक नहीं कर सकता है। हैक करने का तो बहुत सारा तरीका होता है, जैसे कि QR जनरेट करके हैक कर सकता है, लेकिन उससे हैकिंग से आपको बचना है। उसके लिए मैक एड्रेस आपको लगाना है, मैक एड्रेस लगाना पड़ेगा, उस हैकिंग से बचना है। और सिंपली पासवर्ड हैकिंग से बचना है, तो जैसे कि हमारे डिस्प्ले पे जैसा सेटिंग मिला हुआ है सेम सेटिंग आपको मिला कर रखना है, उसी रखने के बाद आप उस हैकिंग से बच सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, सेम सेटिंग मिलाना है हमारा वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बता सकते हो। और आप सबको हम एक बात जानकारी दे देते हैं कि हम इस चैनल से जल्द ही लाइव आने वाला है, इस चैनल से जल्दी हम लाइव आएंगे, और लाइव आने के बाद आप सभी को उस लाइव आने के बाद इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी वाईफाई के बारे में समस्या हो, जैसे कि जैसा भी समस्या हो, आप हमें लाइव होकर हमसे जुड़कर आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करके आप अपना समस्या व्यक्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में आपको वो बात हम बताएंगे, और कितना तारीख को आना है, कौन सा दिन आना है, वो सभी बात आपको हम बताएंगे, अगले वीडियो में पोस्ट करेंगे, बहुत जल्द हम पोस्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और